दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब कनाडा सरकार ने भारत से डायरेक्ट फ्लाइट पर लगे प्रतिबंध को 30 दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया है। अब ये प्रतिबंध 21 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं कनाडा की तरफ से ये भी कहा गया है कि देश में अगर कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो 7 सितंबर से अपनी सीमाओं को यात्रियों के लिए खोल देंगे, लेकिन केवल उन्हीं को परमिशन मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी होगी। अमेरिका के ओरेगन में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ये आग लगातार तेजी से फैलती ही जा रही है। कैलिफोर्निया राज्य के उत्तर में महज 25% हिस्से में आग पर काबू पाया जा सका है। अब तक 3,00,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन जल चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए काफी कोशिशें की जा रही है। हेलीकॉप्टर से पानी बरसाए जा रहे हैं और आग बुझाने वाले गैस भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन काफी तेज हवा, तूफान और बिजली गिरने से स्थिति काफी खतरनाक होने की भी आशंका जताई गई। पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा को लेकर अब कई खुलासे हो रहे हैं। जानकारी मुताबिक राज कुंद्रा एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें पोर्न फिल्म से जुड़े बिजनेस पर चर्चा की जाती थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम एच अकाउंट था, जिसमें राज कुंद्रा समेत कुल 5 लोग शामिल थे। जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें राज कुंद्रा इस बिजनेस की मार्केटिंग, सेल्स और मॉडल्स की पेमेंट से जुड़े मसलों पर बात कर रही हैं। साथ ही इसमें रेवेन्यू पर फोकस किया जाए, मॉडल को कैसे पेमेंट दी गई है और किस तरह बिजनेस के रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, इस पर भी बातचीत की गई। 15 अगस्त को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को बड़ा अलर्ट भेजा है। दरअसल एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली है जिसके मुताबिक आतंकी ड्रोन के जरिए दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रही हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने ड्रोन हमले से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ड्रोन हमले से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस को और दूसरे राज्यों की पुलिस को ट्रेनिंग भी दी गई है। इसमें 2 लेवल की ट्रेनिंग दी गई है। जेल से बाहर निकलने के बाद पहली बार इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और हरियाणा की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि वो आम लोगों की सभी परेशानी को दूर करना चाहते हैं और ये उनकी दिली ख्वाहिश है और इसे पूरा करने के लिए चाहे उन्हें दोबारा से जेल ही क्यों ना जाना पड़े। करनाल में तेंदुओं की चर्चा गरमाई हुई है। जिले के लोग डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे एक गार्ड ने बनाया है और इसमें एक जंगली जानवर नजर आ रहा है। गार्ड का कहना है कि वो तेंदुआ का बच्चा था, पर वाइल्ड लाइफ विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस वीडियो में दिखता जानवर जंगली बिल्ली है। हरियाणा में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, जिस पर अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल नहीं होगा। तो वहीं डिप्टी सीएम ने किसान आंदोलन को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया और कहा कि किसान आंदोलन का एजेंडा अब अलग हो चुका है और समय के साथ किसानों को बहकाने वालों की भी पोल जल्द ही खुल जाएगी। 22 जुलाई को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। 2 अगस्त से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा होगी, साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 26 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है, जबकि 21 और 22 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए नेशनल फ्लैश फ्लड गाइडलाइंस भी जारी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक की। सीएम ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर ये बैठक की। बैठक में जिला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। वहीं सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए।